हेलो स्टूडेंट्स, आज हम फिर से मैथ्स मैजिक का 7 नंबर का लेसन पढ़ रहे हैं, कैन यू सी द पैटर्न। और इस लेसन का पार्ट 1 हम सीख चुके हैं। उसमें बहुत सारे पजल्स हम लोग बहुत ही अच्छे तरीके से इजी ट्रिक से सीख चुके हैं। सो पार्ट 1 आप देखना मत भूलिएगा। उसके बाद हम पार्ट 2 में देखने वाले हैं मैजिक स्क्वायर। इसमें से एक स्क्वायर जो है वो हम बहुत ही अच्छे तरीके से इजी ट्रिक से सीख चुके हैं। अभी हमें दूसरा स्क्वायर सीखना है जो कि बहुत ही ज़्यादा हार्ड है, क्योंकि इसमें तो कई जगह पे पार्टनर्स दिए हुए थे जिसका एडिंग करके हमने तीसरे बॉक्स का आंसर निकाला। लेकिन यहाँ पे तो सिर्फ अकेला 25 है, यहाँ पे कोई पार्टनर उन्हें नहीं दिया है। सो अब हम ये बॉक्स कैसे सॉल्व करेंगे, ये मैजिक स्क्वायर्स कैसे सॉल्व करेंगे, वो हम इस पार्ट में देखने वाले हैं। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। हमें क्वेश्चन में दिया है, फिल दिस स्क्वायर यूजिंग ऑल द नंबर्स फ्रॉम 21 टू 29 रूल। द टोटल ऑफ ईच साइड इज 75। हमें बोला है कि इन सारे स्क्वायर्स में जो कि ब्लैंक हैं उसमें आपको 21 से 29 तक नंबर्स क्या करने हैं, लाने हैं। और सिर्फ अकेला 25 यहाँ पे दिया हुआ है और उसमें रूल भी दिया है कि द टोटल ऑफ ईच साइड इज 75। तो हर एक साइड का मतलब ये वाली साइड हो, ये वाला कॉलम हो, ये रो हो या फिर ये वाला कॉलम हो, कोई भी रो या फिर कोई भी कॉलम की टोटल क्या आनी चाहिए, 75। ठीक है, और नंबर्स यहाँ पे ओनली 21 से 29 ही आने चाहिए। तो हम कैसे करेंगे, यहाँ पे तो हमें ऊपर के वाले स्क्वायर में पार्टनर दिया था, इससे हम आसानी से कर सके हैं, इसलिए हमने निकाल लिया। लेकिन यहाँ पे तो कोई पार्टनर नहीं दिया है, कोई नंबर नहीं दिया है, ओनली एंड वन 25 बीच में दे दिया है। तो कैसे हम करेंगे, तो चलिए आइए हम स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हमें बताया गया है कि ये जो ब्लैंक बॉक्स है उसमें 21 से लेकर 29 तक नंबर्स आने ही वाले हैं, मतलब हमें लाने हैं। तो हम ये क्यों ना करें कि 21 से 29 के नंबर्स में ही कोई एक नंबर हम यहाँ पे सपोज मान कर ले ले और देखते हैं कि तीसरा बॉक्स जो है वो 21 से 29 के नंबर में ही आता है या नहीं, या फिर उसकी टोटल 75 आती है या नहीं। तो मैं कोई भी एक नंबर ले लेती हूँ, जैसे कि मैं ले लेती हूँ इस मैजिक स्क्वायर में हमें यहाँ की वैल्यू क्या करनी है, निकालनी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 25 प्लस 27 हम सबसे पहले कर लेंगे। इस ब्लैंक स्क्वायर को हम क्या मान लेंगे, ए मान लेंगे। सो ए प्लस 25 प्लस 27, ठीक है, इन तीनों की टोटल कितनी आनी चाहिए, 75 आनी चाहिए। ठीक है, सो ए प्लस 25 प्लस 27 कितने होते हैं, वो हम यहाँ पे सबसे पहले कर लेंगे साइड में। ठीक है, सो 25 प्लस 27 होते हैं 12 का 2 1 कैरी। ठीक है, उसके बाद 1 प्लस 2 इज 3, 3 प्लस 2 इज 2 प्लस 2 इज 4, 4 प्लस 1 इज 52। ठीक है, 5। ठीक है, तो आंसर इज 52। और 25 प्लस 27 इज 52 और इज इक्वल टू 75, हमें आज इट इज लिख लेना है। ए की वैल्यू हमें निकालनी है, इसीलिए 75 माइनस 52 हम करेंगे। सो 75 माइनस 52, ठीक है, सो 5 में से 2 गया 3 और 7 में से 5, यहाँ पे 7 में से 5 गया 2, 23 इज आंसर हमारा आ गया। सो ए की वैल्यू हमें कितनी मिली, ए की वैल्यू मिली हमें 23।
लेकिन अभी तक हमारा ये जो कैलकुलेशन है ये ख़त्म नहीं हुआ है, क्योंकि हमें बोला गया है कि ये जो तीन वैल्यूज हैं इसकी टोटल कितनी आनी चाहिए, 75 आनी चाहिए। तो चलिए हम उन्हें भी निकाल के देखते हैं। सो ए की वैल्यू हमें मिली है 23, उसे हम लिख लेंगे प्लस 25 प्लस 27। सो 5 प्लस 3 या फिर 3 प्लस 5 करो 8 आ जाएगा, 8 प्लस 7 आ जाएगा 15। सो 5 कैरी 1 फॉरवर्ड, 2 प्लस 1 इज 3, 3 प्लस 2 इज 5, 5 प्लस 2 इज 7। सो आंसर इज 75 हमें मिल ही गया। इसका मतलब यह है कि एज इक्वल टू 23 जो हमने निकाला था वो बिल्कुल सही था, और हम इस मैजिक स्क्वायर में वो एक नंबर और ऐड कर लेंगे। ठीक है, तो इस तरह से हमें बाकी के सॉल्व करके देखने हैं। सो अभी हमें इन तीनों और ये तीन मतलब 6 स्क्वायर अभी भी निकालने हैं मैजिक स्क्वायर। सो हमें बोला गया है कि 21 से 29 तक हमें कोई भी नंबर क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पे हम ले सकते हैं या फिर यहाँ पे हमें लाने हैं। सो 21 से 29 तक के नंबर अगर हम यहाँ पे लाने वाले हैं, सो हमें और एक पार्टनर 21 से 29 तक लेना पड़ेगा ताकि हम नेक्स्ट स्क्वायर निकाल सकें। तो मैं यहाँ पे एक नंबर गेस कर लेती हूँ, यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ 24, या आप चाहे कोई भी नंबर ले सकते हैं, 21 से 29 तक कोई भी नंबर ले सकते हैं। अब जैसे कि इस ब्लैंक स्क्वायर को हम फिर से ए मान लेंगे और 24 प्लस 23 करेंगे, और इसके टोटल हमें कितनी बोली है, यस 75 बोली है। सो हम यहाँ पर ए प्लस 24 प्लस 23 कितना आता है, हम साइड में कर लेंगे, 24 प्लस 23 आता है, 4 प्लस 3 इज 7, 2 प्लस 2 इज 4। एडिशन हमें थोड़ी फास्ट करते आना चाहिए, ठीक है, ताकि हमें ऐसे एग्जाम्पल सोचने में सॉल्व करने में और भी आसानी होती है। सो हमें 24 प्लस 23 का आंसर मिला 47, जो हम यहाँ पे लिख लेंगे इज इक्वल टू 75 एज इट इज लिखेंगे। ए इज इक्वल टू 75 माइनस 47 यहाँ पे चला जाएगा, सो प्लस 47 है, वहाँ पे जाने के बाद माइनस 47 हो जाएगा। सो 75 माइनस 47 अभी हम कैलकुलेट करेंगे। सो 5 में से 7 नहीं जाता है, सो 15 लेंगे यहाँ पे, साइड वाले से हम क्या करेंगे, साइड वाले से हम एक कैरी लेके यहाँ पे 5 का 15 हो जाएगा, और इसका एक माइनस हो जाएगा, ऊपर आ जाएंगे 6। सो 15 में से 6 15 माइनस 7 हो जाएंगे 8, और 6 माइनस 4 इज 2। सो हमारा आंसर आया ए इज इक्वल टू 28। यहाँ पे हमें 28 हमारा आंसर आया है, लेकिन उसके पहले हमें सबसे पहले देखना होगा कि इन तीनों का एडिंग 75 आता है या नहीं। सो हम वो भी कर लेते हैं, 24 प्लस 23 प्लस 28, ठीक है। सो 4 प्लस 3 इज 5, 6, 7, 7 प्लस 8 इज 15, सो 15 का 5 कैरी 1 फॉरवर्ड, 2 प्लस 1 इज 3, 3 प्लस 2 इज 5, 5 प्लस 2 इज 7, आंसर इज 75। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे हमारा जो आंसर आया है 28 वो बिल्कुल सही है। सो हम यहाँ पे वो लिख लेंगे, ठीक है। अभी फिर से हमें और एक दिक्कत हो गई कि हमें और एक नंबर क्या करना पड़ेगा, लेना पड़ेगा। सो यहाँ पे मैं फिर से और एक नंबर ले लेती हूँ 21 से 29 में, 26, ठीक है। तो फिर से हम इसका कैलकुलेशन करके देखेंगे कि हमें आंसर आता है या नहीं आता है। सो यहाँ पे हम अगला लेंगे, फिर से हमें इसको क्या मानूंगी, ए मान लूंगी ब्लैंक बॉक्स को, ए प्लस 28 प्लस 26। सो 28 प्लस 26 इज इक्वल टू हमें क्या बोला है, 75 हमारा आंसर आना चाहिए, ठीक है। सो ए प्लस 28 प्लस 26 कितना होता है वो हम यहाँ पे निकाल लेंगे साइड में, 28 प्लस 26 होता है 8 प्लस 6 इज 6 प्लस 6 इज 12, 12 ऊपर के 8 14, सो यहाँ पे आंसर आएगा 14। सो कैरी वन फॉरवर्ड हम कर देंगे, 2 प्लस 1 इज 3, 3 प्लस 2 इज 5, हमारा आंसर आया 54।
और इज इक्वल टू 75 हम एज इट इज़ लिख लेंगे। सो एक की वैल्यू हमें निकालना है, 75 हम एज इट इज़ लिखेंगे, प्लस 54 की जगह चेंज हो जाएगी। अभी प्लस 54 वहाँ पे जाने के बाद हो जाएंगे माइनस 54, ठीक है। सो 75 माइनस 54 आएंगे, 5 में से 4 गया 1, 7 में से 5 गया 2, ठीक है। सो आंसर इज 21। तो हमें दूसरा और एक नंबर मिल गया 21, ठीक है। अभी हम टोटल करके देखेंगे कि ये आंसर सही है या नहीं। सो 28 प्लस 26 पर यहाँ पे आया हमारा 21। सो 28 प्लस 26 प्लस 21, ठीक है। सो 6 प्लस 1 इज 7, 7 प्लस 8 इज 15 का 5 कैरी 1 फॉरवर्ड। सो 2 प्लस 1 इज 3, 3 प्लस 2 इज 5, 5 प्लस 2 इज 7। सो आंसर इज 75। इसका मतलब हमारा जो 21 है यहाँ पे जो हमारा आया है आंसर वो बिल्कुल भी सही है, ठीक है। नेक्स्ट तो हमें पता है कोई भी दो नंबर्स हमारे सिर्फ बच गए हैं 21 से 29 तक। सो यहाँ पे जो दो बॉक्स बच गए हैं वो आपको क्या करने हैं, होमवर्क में निकाल के देखने हैं, ताकि आप भी खुद से कैलकुलेशन करना आपको भी आ सकेगा, ठीक है। सो आपको क्या करने हैं, ये दो बॉक्स आपको निकाल के देखने हैं और आपको ये होमवर्क है, ठीक है। तो आप भी घर पे ये कैलकुलेशन करके देखिए कि यहाँ इन दो बॉक्सों में क्या आएगा। ऑब्वियसली नंबर है कि 21 से 29 तक में ही कोई दो नंबर जो बच गए हैं वही आएंगे, लेकिन फिर भी यहाँ पे को और एक नंबर क्या आएगा और यहाँ पे कौन सा नंबर आएगा वो आपको मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है, ठीक है। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है मैजिक हेक्सागन। अभी हेक्सागन क्या होता है, हेक्सागन होता है इस तरह से, ठीक है, जिसके कितने साइड्स होते हैं, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6 साइड उसके होते हैं। तो इस तरह से हमारा हेक्सागन होता है और इस तरह से हम उसको निकालते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक पैटर्न दिया है, लुक एट द पैटर्न ऑफ नंबर्स इन हेक्सागन्स। हेक्सागन्स में क्या दिए हैं, नंबर्स दिए हैं, ईच साइड हैज़ 2 सर्कल्स एंड 1 बॉक्स। हर एक साइड में क्या दिए हैं, 2 सर्कल दिए हैं, यहाँ पे एक सर्कल और यहाँ पे एक सर्कल दिया है, और बीच में क्या दिया है, एक बॉक्स, ठीक है। हर एक साइड में 2 सर्कल दिए हैं और बीच में दिया है एक बॉक्स। तो इस तरह का सीक्वेंस हमें यहाँ पे दिया है, मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए ये सब निकाल रही हूँ, ठीक है। जब हम सॉल्व करेंगे तो और एक हेक्सागन यहाँ पे निकाल के दिखाने वाली हूँ। सो इस साइड हैज़ 2 सर्कल्स एंड 1 बॉक्स। अभी देखो ये लड़की क्या बोल रही है, ये बोल रही है यू गेट द नंबर इन ईच बॉक्स बाय मल्टीप्लाइंग द नंबर्स इन द सर्कल्स नेक्स्ट टू इट। क्या बोल रही है वो कि आपको यहाँ पे नंबर कैसे मिलेगा, बॉक्स का नंबर जो है वो आपको कैसे मिलेगा, सो बाय मल्टीप्लाइंग द नंबर्स इन द सर्कल्स। इन 2 सर्कल्स में जो भी नंबर्स होंगे वो कहाँ पे आएंगे, इस बॉक्स में वो आ जाएंगे, ठीक है। 2 सर्कल्स का हमें मल्टीप्लाई करना है और क्या करना है, इस बॉक्स में हमें वो लिखना है, ठीक है। सो हम सबसे पहले क्या करेंगे, एक बड़ा सा हेक्सागन लेंगे और उसे हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, ठीक है। सो एक बड़ा सा हेक्सागन मैंने यहाँ पे ले लिया, यहाँ पे हमें सर्कल्स दिए हैं हर एक पॉइंट पर, वो सर्कल्स हम सबसे पहले निकाल लेंगे। उसके बाद बीच में एक बॉक्स दिया है, वो बॉक्स भी हम क्या करेंगे, निकाल लेंगे। सर्कल्स में हमें कौन से नंबर दिए हैं, सर्कल्स में हमें दिया है एक, यहाँ पे दिया है 14 नंबर और यहाँ पे दिया है हमें 7 नंबर, ठीक है। सो 14 मल्टीप्लाइड बाय 7 कितना होता है, हमें मल्टीप्लिकेशन आना ही चाहिए ताकि हम इसे सॉल्व कर सकें। तो हम साइड में क्या कर लेंगे, यहाँ पर एक लाइन खींच के सॉल्व करके देखेंगे।
14 मल्टीप्लाइड बाय 7 होता है, 7 4 टाइम्स कितना होता है, 7 4 टाइम्स होता है 28। सो 28 का वन सम लिखेंगे 8 और 2 हो जाएगा कैरी फॉरवर्ड, 7 1 7 प्लस 2 इज 9। सो आंसर हमारा आएगा 98। ठीक है, आंसर क्या आएगा हमारा 98। ओके, सो नेक्स्ट हम करके देखेंगे। अगले सर्कल में हमें दिया है 10। ठीक है, 10 दिया है और 10 मल्टीप्लाइड बाय 7 हमें आता है, तो 10 7 जा आता है 70। सो आंसर हमारा आएगा 70। ठीक है, अगले सर्कल में हम देखेंगे। अगले सर्कल में हमें दिया है 2 दिया है। ठीक है, क्या दिया है, 2। सो 10 मल्टीप्लाइड बाय 2 मतलब 10 2 जा कितना आता है, 10 2 जा आता है 20। ठीक है, 20 आता है। अगले सर्कल में हमें दिया है 13 नंबर। ठीक है, 13 का टेबल सबको आता है, अगर नहीं आता है तो ये बहुत बुरी बात है, क्योंकि हम क्लास 5th का लेसन्स पढ़ रहे हैं, तो कम से कम हमें 20 तक तो भी टेबल आनी ही चाहिए। ठीक है, सो 13 टू जा होता है 26। सो 26 हम यहाँ पे लिख लेंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे दिया है 5। ठीक है, अगले सर्कल में दिया है हमें 5। सो 13 मल्टीप्लाइड बाय 5 हम एक बाजू में कर लेंगे, 5 3 टाइम्स होता है, मतलब 5 3 जा होता है 15। 15 का 5 लिखेंगे, कैरी 1 फॉरवर्ड कर देंगे। सो 5 1 जा 5 प्लस 1 इज 6, आंसर इज 65। ठीक है, आंसर क्या आया, 65 आया। अभी हमें पता है कि 14 मल्टीप्लाइड बाय 5 करना है, सो फिर से हम 14 मल्टीप्लाइड बाय 5 कर देंगे, 5 4 जा आता है 20, 20 का 0, 2 कैरी फॉरवर्ड, 5 1 5 प्लस 2 इज 7, सो आंसर इज 7 0 70। ठीक है, सो इस तरह से हमारा आंसर जो है वो हमने है पूरा हेक्सागन क्या कर लिया, हमने निकाल लिया। ठीक है, तो इसी तरह से हमें आगे क्या बताया है कि लुक एट द नंबर 65, लुक एट द नंबर 65 इन द बॉक्स, विच आर द सर्कल्स नेक्स्ट टू इट। तो 65 के बाद हमने निकाला 70, तो 70 किसका मल्टीप्लाइड है, 70 जो सर्कल में दिए हैं 40 मल्टीप्लाइड बाय 5 का आएगा। कैन यू सी हाउ द रूल वर्क्स, यस, हमने यहाँ पे पूरा हेक्सागन सॉल्व करके देखा, इसलिए ये रूल वर्क कर रहा है ऐसा हम बोल सकते हैं। ठीक है, अभी नेक्स्ट बोले देखिए वो क्या बोल रही है, नेक्स्ट वो बोल रही है यूज द सेम रूल टू फिल द हेक्सागन्स बिलो। अभी नेक्स्ट जो हेक्सागन हमें दिया है वो हमें क्या करना है, निकाल के देखना है। तो चलिए आइए हम सॉल्व करते हैं, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग ये पैटर्न होने वाला है, क्योंकि अब पहला हेक्सागन हम निकाल चुके हैं, अब हम दूसरा जो हेक्सागन है वो हम क्या करेंगे, निकालेंगे। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या करेंगे, उसको निकालेंगे। पहले वाले सर्कल में हमें दिया है यहाँ पे क्या दिया है, 11 दिए हैं और दूसरे सर्कल में दिए हैं 9। ठीक है, तो यहाँ पे जो बॉक्स आएगा उस बॉक्स में इसका मल्टीप्लाइड होगा। ठीक है, यहाँ पे एक बॉक्स दिया है और उस बॉक्स में हमें वैल्यू दिए हैं 108। ठीक है, यहाँ पे सर्कल और में कुछ नहीं दिया है, यहाँ पे जो बॉक्स दिया है वो पूरी तरह से ब्लैंक है, यहाँ पे जो सर्कल दिया है वहाँ पे 7 दिया है और यहाँ पे जो बॉक्स दिया है वो पूरी तरह से ब्लैंक है। फिर और एक सर्कल दिया है जहाँ पे हमें 17 दिया है और यहाँ पे जो बॉक्स दिया है वो फिर से ब्लैंक है, यहाँ पे जो सर्कल है वहाँ पे है 6 और यहाँ पे बॉक्स है वो पूरी तरह से क्या है, फिर से एक बार ब्लैंक है। ठीक है, सो हम क्या करेंगे, हम करेंगे तो हम क्या करेंगे, हम करेंगे इसे सॉल्व। ठीक है,
सो 11 मल्टीप्लाइड बाई 9 हमें पता है कि 11 नाइनजा कितना होता है, 11 नाइनजा होता है 99, ठीक है। सो 11 नाइनजा इज 99, और जबकि इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या होता है 108, तो यहाँ पे तो सर्कल में कुछ भी नहीं दिया है। सो यहाँ पे हमें क्या करना होगा, सो 9 को 108 से हमें क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करने पड़ेगा। सो हम यहाँ पे करेंगे डिवाइड, ठीक है। यहाँ पे एक लाइन खींचेंगे और साइड में हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे 108 से, ठीक है। सो 9 वन जा 9 हम सबसे पहले लेंगे, क्योंकि 10 में से 9 ही क्या है, छोटा नंबर है। डिवीजन आपको आता है, अगर नहीं आता है तो हम इससे सीख सकते हैं। सो 10 माइनस 1 इज 10 माइनस 9 इज 1, 8 हमारा जो होगा वो नीचे आ जाएगा। 9 वन जा 9, 9 टू जा होता है 18, सो 18 माइनस 18 इज 0। इसका मतलब है यहाँ पे क्या आएगा सर्कल में, 12, और आप चाहे तो 12 मल्टीप्लाइड बाय 9 कर सकते हैं, हमारा आंसर 108 ही आएगा, ठीक है। उसके बाद फिर से हमें बॉक्स खाली दिया है और सर्कल में दिया है 7, सो हम कर लेंगे 12 मल्टीप्लाइड बाय 7, ठीक है। सो 7 टू जा कितना होता है, 7 टू जा होता है 14 का 4, कैरी वन फॉरवर्ड, 7 वन जा 7, 7 प्लस 1 इज 8, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर आएगा 12 7 जा 84, या फिर डायरेक्टली आप 12 का टेबल भी 7 टाइम्स तक पढ़ के आंसर निकाल सकते हो, ठीक है। उसके बाद हमें अगला जो सर्कल दिया है उसमें दिया है 17, ठीक है। तो 17 मल्टीप्लाइड बाय 7 कितना होता है, तो हम यहाँ पे करके देखेंगे 17 मल्टीप्लाइड बाय 7, ठीक है। 7 7 जा होता है 49, 49 का 9, यहाँ पे 4 कैरी फॉरवर्ड, 7 वन जा 7 और 4 कितना होता है 11, 109 यहाँ पे हमारा आंसर आ गया। उसके बाद फिर से एक बॉक्स दिया है और दोनों सर्कल में क्या दी है, वैल्यू दी है 17 मल्टीप्लाइड बाय 6, तो 17 मल्टीप्लाइड बाय 6 कितना आएगा। सो हम अगर डायरेक्टली माइंड में करके देखेंगे तो हमें 7 सिक्जा करना है 42, 42 का 2 यहाँ पे आ जाएगा, 4 कैरी हो जाएगा, 6 वन जा 6, 6 प्लस 4 इज 10, ठीक है। सो आंसर आएगा 102, ठीक है। अभी यहाँ पे दो सर्कल्स में हमें नंबर्स दिए हैं, यहाँ पे स्क्वायर में निकालना है। सो 11 मल्टीप्लाइड बाय 6, हमें पता है 11 इज 6 टाइम, 11 सिक्जा 66 आता है। तो इस तरह से हमने ये वाला हेक्सागॉन भी क्या किया, निकाल लिया, ठीक है। बहुत ही इजी तरीके से हमने क्या किया, ये हेक्सागॉन निकाल लिया। हमें अगले हेक्सागॉन में हमें बताया गया है कि यहाँ पे हमें एक बॉक्स दिया है, उस बॉक्स में हमें एक वैल्यू दी है और वो है 78, ठीक है। दोनों सर्कल्स में कुछ भी नहीं दिया है, वो है ब्लैंक। और दूसरा जो बॉक्स है उसमें दिया है 104 दिया है, ठीक है। सो 104 हमें वहाँ पे दिया है। सो अगला जो सर्कल है उसमें दिया है 8, ठीक है। यहाँ पे बॉक्स फिर से खाली है, यहाँ पे सर्कल में दिया है 8, बॉक्स फिर से ब्लैंक है, सर्कल भी ब्लैंक है। नेक्स्ट इसमें दिया है 64, यहाँ पे सर्कल में 64 और ये ब्लैंक और सर्कल दोनों खाली है। अभी हमें ये हेक्सागॉन निकाल के देखना है। सो साइड में हम इसके सारे कैलकुलेशंस करके देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम शुरुआत यहाँ से करेंगे, क्योंकि ये दो पार्टनर्स यहाँ पे हैं। सो हमें बोला गया है कि जो दो सर्कल्स होते हैं उनका मल्टीप्लाई क्या आता है, ये वाला बॉक्स का आंसर आता है। लेकिन यहाँ पे तो इस सर्कल में कुछ भी नहीं है, तो लेकिन बॉक्स में दिया है आंसर। सो हम क्या करेंगे, इन दोनों के मल्टीप्लाई का आंसर अगर ये बॉक्स का नंबर आता है तो हम इन दोनों को क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम डिवाइड करेंगे 8 और 104 को, ठीक है। सो 8 का अगर हमें टेबल आता है तो 8 वन जा 8 हम यहाँ पे लिख लेंगे, 10 में से 8 गया 2, 4 हमारा नीचे एज इट इज आ जाएगा, ठीक है। सो 8 थ्री जा होता है 24, ठीक है। अगर आप 8 का टेबल बोलोगे तो 8 थ्री जा होता है 24, 24 माइनस 24 इज 0, ठीक है। सो हमारा आंसर आया 13। इसका मतलब ये है कि 13 मल्टीप्लाइड बाय 8 आंसर आता है 104।
आप चाहे तो करके देख सकते हो, ठीक है। उसके बाद बहुत ही इजी दिया है अगला, 8 × 8, दोनों सर्कल्स में क्या दिया है, 8 दिया है, मतलब दोनों का मल्टीप्लाइंग आएगा 16, ठीक है। 8 × 8 इज 16, ठीक है। उसके बाद हमें अगला, अगर हम इस तरफ देखेंगे, इससे जल यहाँ पे कोई पार्टनर 8 को नहीं है, लेकिन यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो 4 और 64 हमें दिया है, ठीक है। तो 4 को हम 64 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, क्योंकि 64 है बॉक्स में और 4 है सर्कल में। अगर दोनों सर्कल के होते तो हम मल्टीप्लाई करते, ठीक है, लेकिन एक सर्कल और एक बॉक्स से इसका आंसर है। सो 4 का अगर हम देखेंगे तो 4 ही 6 से क्या है, छोटा है। सो 4 × 4 यहाँ पे आ जाएगा, 6 में से 4 गया, 2 आता है, 4 नीचे आ जाएगा और 4 6 आता है 24। सो 24 − 24 इज 0। सो हमारा आंसर यहाँ पे आ जाएगा 16, ठीक है। तो 16 और 8 हमें यहाँ पे दो सर्कल में मिल गए। अब हम निकाल सकते हैं ये वाला बॉक्स। सो अगर हम यहाँ पे 16 × 8 अगर हम करेंगे, 16 × 8 अगर हम करेंगे, सो 8 6 होता है 48। सो 48 का 8 हम लिखेंगे और 4 कर देंगे कैरी फॉरवर्ड। सो 8 × 8, 8 + 4 इज 128। तो आंसर क्या आया, 128। 16 × 8 इज 128। अभी हमें नेक्स्ट जो दिया है वो है यहाँ पे स्क्वायर और सर्कल में हमें कुछ भी नहीं दिया है, लेकिन यहाँ पे दो पार्टनर्स हैं, एक स्क्वायर में है और एक सर्कल में है, जिसके हेल्प से हम इस सर्कल का सर्कल की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हम 13 और 78 को करके देखेंगे डिवाइड। सो 13 / 78, ठीक है। सो 13 2 होता है 26, 36 होता है 78। सो 78 − 78 इज 0, ठीक है। सो यहाँ पे आएगा 6, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत ही इजी है, 6 का टेबल सबको आता है। 6 और 4 क्या है, दोनों सर्कल में है। सो 6 4 आएगा 24 आंसर, ठीक है। तो इस तरह से हमने ये वाला हेक्सागॉन भी निकाल लिया। नेक्स्ट टॉपिक हमें दिया है नंबर्स एंड नंबर्स, ठीक है। तो नंबर्स एंड नंबर्स टॉपिक में हमें देखना है कि यहाँ पे जो स्टार आपको दिखाई दे रहा है, वो स्टार में आपको दिया है नंबर 24, प्लस यहाँ पे एक पेंटागॉन दिया है, उसमें नंबर दिया है 19, यहाँ पे और एक डायमंड शेप दिया है और उसमें दिया है 37। तो हमें सिर्फ नंबर्स देखने हैं, 24, 19 और 37, ठीक है। तो यहाँ पे 24 + 19 + 37 इज इक्वल टू, जो भी आंसर आता है वो आंसर 37, 24 और 19 के बराबर है। अब अगर आप यहाँ पे ठीक से देखोगे तो आपको ये नंबर ये दिखाई देगा कि 24, 19, 37 ये नंबर यहाँ पे उन्होंने उल्टे लिखे हैं, उल्टे सीरीज में लिखे हैं, 24, 19, 31, 37, 24, 19, ठीक है। 37, 24, 19 यहाँ पे उन्होंने लिखे हैं, मतलब यहाँ पे जो नंबर्स हमें दिए गए हैं वही सेम नंबर हम उन्होंने यहाँ पे लिए हैं। तो ऑब्वियसली बात है कि इन तीनों की एडिंग के इक्वल है। नेक्स्ट नंबर में भी वैसा ही दिया है, 215 + 120 + 600, ये इक्वल होता है किसके, 600 + 215 + 120, यही नंबर है, बस वो उल्टे सीरीज में दिए हैं, ठीक है। आर दे इक्वल, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं यस आर दे इक्वल। हमें अगले टॉपिक में अभी वही सेम सॉल्व करने हैं। क्या दिया है हमें, फिल इन द ब्लैंक्स स्पेसेस इन द सेम वे। हमें यहाँ पे क्या करने हैं, फिल इन द ब्लैंक्स करने हैं सेम वे से। तो सबसे पहले हमें स्टार में 14 दिया है, प्लस दोनों तरफ कुछ भी नहीं दिया है, लेकिन इज इक्वल टू में दिया है कि 34 + 14 + 20 इनका आंसर क्या आता है, जो कि इनका आता है। तो ऊपर हमने सीखा कि जो नंबर्स यहाँ पे दिए हैं इज इक्वल टू में आगे वो वही नंबर्स हमें दिए हैं, तो सेम हम वही नंबर्स लिखेंगे,
14 हमें ऑलरेडी दे चुके हैं, सो स्क्वायर का जो है 34 हम यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है 34 हम लिखेंगे और हमारा बच गया 20, ठीक है 20 हमारा बच गया। तो आप इस तरह से ऐडिंग करें या इस तरह से ऐडिंग करें, दोनों का आंसर सेम ही आएगा। उसी तरह से नेक्स्ट इसमें अगर हम देखेंगे तो एक फ्लावर में हमें दिया है 42, सो दोनों इसमें कुछ भी नहीं दिया है, तो यहाँ पे 65 और 80 दिया है। तो 65 में अगर हम यहाँ पे एक फ्लावर निकाल के वहाँ पर अगर हम 42 लिखेंगे तो क्या आएगा आंसर, एज इट इज़ सेम ही आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक डायमंड शेप निकालेंगे और वहाँ पे लिखेंगे 65, उसके बाद यहाँ पे हेक्सागन निकालेंगे और वहाँ पे हम लिखेंगे 8080, ठीक है। अब ये तीनों की जो एडिंग है एज सेम एज इन तीनों की एडिंग आती है, ठीक है। नेक्स्ट सी में हम देखेंगे, एक इसमें दिया है 200 और एक इसमें दिया है 300, और यहाँ पे कुछ नहीं दिया है प्लस और इज इक्वल टू के आगे सिर्फ 400 ही हमें दिए हैं। तो हम इस 400 को यहाँ पे लेके देखते हैं, सो अगर हम इस 400 को यहाँ पे लेंगे, सो यहाँ पे 200 प्लस 300 प्लस 400 क्या आएगा इज इक्वल टू, यहाँ पे भी क्या आएगा सेम वही वैल्यू आएंगी। अगर हम 300 और 200 उल्टे करके लिखे, उल्टे सीक्वेंस से लिखे तो भी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको ऐसे नंबर्स लेने हैं जो कि इज इक्वल टू, उनकी एडिंग जो है वो सेम ही आती है। हमें कोई भी तीन नंबर्स मन के लेने हैं, तो मैं यहाँ पे सबसे पहले लूँगी 25 प्लस 30 प्लस यहाँ पे मैं लूँगी 42, ठीक है। तो इसका भी आंसर सेम वही आएगा जो कि 42 प्लस 25 प्लस 30 का आएगा, ठीक है। तो इसी तरह से हमने ये वाला भी क्या कर लिया, सॉल्व कर लिया। नेक्स्ट टॉपिक हम देखेंगे, नाउ लुक एट दिस। अब अभी हम देखेंगे कि 48 मल्टीप्लाइड बाय 13 ये इज इक्वल टू 38 मल्टीप्लाइड बाय 48, मतलब 48 मल्टीप्लाइड बाय अगर हम 13 करेंगे तो वही आंसर 13 मल्टीप्लाइड बाय 48 का आता है या नहीं, यहाँ पे बोला है चेक इफ़ इट इज़ ट्रू और नॉट। तो हम देखते हैं करके कि ये सही है या गलत है। फोर्टी एट मल्टीप्लाइड बाय 13, सो 8 3 आता है 24 का 4 लिखेंगे, 2 कर देंगे कैरी फॉरवर्ड, सो 3 4 जा 12 प्लस 2 इज 14, ठीक है। यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का 0, 8 1 जा 8, 4 1 जा 4, सो आंसर हमारा कितना आया 4 + 8 इज 12 का 2, 1 कर देंगे कैरी फॉरवर्ड, 1 + 1 इज 2, 2 + 4 इज 6, आंसर कितना आया हमारा 624। अभी इसी को हम उल्टा करेंगे 13 मल्टीप्लाइड बाय 48। अभी अगर आपको 13 का टेबल आता है तो हम 13 का टेबल से करके देखेंगे, 13 8 जा कितना होता है 8 3 जा 24, 2 कैरी फॉरवर्ड, 8 1 जा 8 और 2 कितना आता है 10 आता है 104, और मल्टीप्लिकेशन का 0, 4 3 जा कितना होता है 4 3 जा होता है 12, 1 कैरी फॉरवर्ड, 4 1 जा 4 प्लस 1 इज 5, हमें आंसर आएगा 4 2 और 6। तो आप देख सकते हो कि 14 मल्टीप्लाइड बाय 13 करें या फिर 13 मल्टीप्लाइड बाय 14 करें, आंसर दोनों के सेम ही आते हैं 624 या 624। तो मल्टीप्लिकेशन में भी यही रूल क्या होता है, सेम फॉलो किया जाता है। अगला टॉपिक हम पढ़ेंगे लेफ्ट राइट सेम टू सेम, मतलब लेफ्ट से राइट पढ़ो या राइट से लेफ्ट पढ़ो, क्या होता है वो नंबर सेम टू सेम हमें दिखता है। अभी देखिए इनका कन्वर्सेशन जो है वो हम देखते हैं कि ये दोनों एक दूसरे से क्या बात कर रहे हैं। क्या लड़की बोल रही है, कैन यू सी समथिंग स्पेशल अबाउट 121, मतलब 121।
वो बोल रहे हैं कि तुम्हें इस नंबर में 121 इस नंबर में कुछ स्पेशल समथिंग दिख रहा है, समथिंग स्पेशल दिख रहा है। वो लड़का बोल रहा है व्हाट, इट्स जस्ट अ नंबर। वो क्या बोल रहा है, ये तो एक जस्ट नंबर है, इसमें क्या स्पेशल है। लड़की बोल रही है सी इट इज़ द सेम फॉरवर्ड एज वेल एज बैकवर्ड। वो बोल रहे हैं कि अरे ये जो नंबर है वो तुम सीधा पढ़ो, मतलब 100 121 पढ़ो या उल्टा पढ़ो तो भी ये क्या आता है, 121 ही आता है। वो लड़का बोलता है ओ यस इट इज़ 121 फ्रॉम राइट टू लेफ्ट अल्सो। राइट से अगर हम पढ़ेंगे तो 121 आता है और लेफ्ट से अगर हम पढ़ेंगे तो 121 ही आता है। नेक्स्ट हम देखेंगे, वो लड़की बोल रही है कम लेट्स सी हाउ टू गेट सच नंबर्स। चलिए हम देखते हैं कि ऐसे और कितने नंबर्स हैं। टेक अ नंबर से 43। वो क्या बोल रही है कि एक नंबर लेना है 43, तो चलिए आइए हम नंबर लेके देखते हैं। हम अपने बुक में सॉल्व करके देखेंगे, ठीक है। तो आप भी अपनी बुक निकाल के सॉल्व करके मेरे साथ देखिए। एक नंबर लेना है, क्या नंबर लेना है, 43। हमने ले लिया एक नंबर 43, ठीक है ले लिया। उसके बाद वो बोला है नाउ टर्न इट बैक टू फ्रंट। अभी उसको क्या कर देना है, बैक टू फ्रंट मतलब उल्टा कर देना है। कर दिया उल्टा 34 हो जाएगा, ठीक है। देन ऐड देम टुगेदर, अभी हम इसको क्या करना है, हमें उसको ऐड करना है, ठीक है। सो 3 + 4 = 7, 4 + 3 = 7, कितना आया आंसर, 77। यस यू हैव रिवर्स द नंबर बाय राइटिंग इट बैक टू फ्रंट। 77 इज वन सच स्पेशल नंबर, देयर आर मेनी सच नंबर्स। 77 को हम सीधा पढ़े तो भी 77 आता है, उल्टा पढ़े तो भी 77 आता है, मतलब ये क्या है, एक स्पेशल नंबर हमारा बन गया, ठीक है। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट लेंगे टेक अनदर नंबर, अभी और एक नंबर हम लेके देखते हैं, क्या बोल रहा है वो, 48 लेना है। सो हम लेंगे यहाँ पे 48। उसके बाद वो बोल रहा है नाउ टर्न इट बैक टू फ्रंट, अभी इसको फिर से क्या कर दो, उल्टा कर दो। बैक टू फ्रंट मतलब बैक का नंबर पहले लिखना है फिर फ्रंट का नंबर लिखना है, 84। अभी इसको क्या करना है, देन ऐड देम टुगेदर, फिर से हम इसको ऐड करेंगे, 8 + 4 = 8 + 4 होता है 12, 12 का 2 1 कैरी फॉरवर्ड, 4 + 1 = 5, 5 + 8 कितना होता है, 13। आंसर आया 132, ठीक है। इज दिस स्पेशल नंबर, क्या 132 स्पेशल नंबर है, चलिए आइए देखते हैं। इसको फॉरवर्ड पढ़ो 132 होता है, अभी बैकवर्ड की तरफ से पढ़ो तो ये 2231 होता है, मतलब ये सेम नहीं है। फॉरवर्ड और बैकवर्ड पढ़ने के बाद ये सेम नहीं है, इसलिए ये स्पेशल नंबर नहीं है। अगेन टर्न इट बैक टू फ्रंट, अभी फिर से क्या करेंगे, हम इसको फिर से बैक टू फ्रंट क्या करेंगे, टर्न करेंगे, मतलब इसको फिर से उल्टा करके इसको ऐड करेंगे, तो उल्टा क्या आएगा, 231 कर देंगे उल्टा। अभी इसको ऐड करेंगे, 2 + 1 = 3, 3 + 3 = 6, 2 + 1 = 3, क्या हो गया, 363। अभी ये क्या हो गया, स्पेशल नंबर हो रहा है क्या, देखेंगे हम। फॉरवर्ड पढ़ेंगे 363, यस। बैकवर्ड पढ़ेंगे 363, यस। ये है स्पेशल नंबर, क्योंकि इसको सीधा पढ़ो या उल्टा पढ़ो ये सेम ही हमें दिख रहे हैं। अभी चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर, क्या बोल रहे हैं वो लोग। सो वी सी दैट टू गेट स्पेशल नंबर्स वी समटाइम्स नीड मोर स्टेप्स। कभी कभी हमें स्पेशल नंबर लाने के लिए और स्टेप्स क्या करने पड़ते हैं, करने पड़ते हैं। सो हम नाउ यू ट्राई एंड चेंज दिस नंबर्स इनटू स्पेशल नंबर्स। अभी हमें जो नंबर्स दिए हैं उनको हमें स्पेशल नंबर्स में क्या करने हैं, कन्वर्ट करने हैं। तो चलिए आइए हम वो भी करके देखते हैं। तो नेक्स्ट नंबर हमें दिया है 28 हम लिख लेंगे 28 नंबर। इसको फिर से बैकवर्ड टू फॉरवर्ड हम करेंगे, उल्टा करेंगे तो हो जाएगा 82। अभी इसको ऐड करेंगे,
फिर से बहुत ही इजी स्टेप से क्या करना है, एक नंबर लेना है, उसको उल्टा लिखना है, फिर इन दोनों को ऐड कर देना है। तो 8+2 इज 10, सो 0 1 कैरी फॉरवर्ड, 3+8 कितना होता है 11, यह आया 110। अभी हम इसको उल्टा पढ़ेंगे तो 011 ये हो जाता है। तो हम क्या करेंगे, इसको फिर से उल्टा लिख के इसको ऐड करेंगे तब तक जब तक हमें कोई स्पेशल नंबर नहीं मिल जाता। सो 0+1 इज 1, 1+1 इज 2 और 1+0 इज 1। सो हम देखते हैं कि ये स्पेशल नंबर है क्या। फॉरवर्ड की तरफ पढ़ेंगे 1, 2, 1, बैकवर्ड की तरफ पढ़ेंगे 1, 2, 1, यस ये है स्पेशल नंबर, ठीक है। सो यहाँ पे हमें 28 का स्पेशल नंबर मिल गया। अभी नेक्स्ट नंबर हमें दिया है 132, सो 132 का भी हम करके देखेंगे। 132 हमने लिख लिया, अभी इसको उल्टा लिखेंगे तो 231, ठीक है, इसको ऐड करेंगे, फिर से वही स्टेप्स फॉलो करने हैं। 2+1 इज 3, 3+3 इज 6 एंड 1+2 इज 3, ठीक है। अभी ये स्पेशल नंबर है क्या वो हम देखेंगे। 363 उल्टा पढ़ेंगे तो 363, यस ये उल्टा भी पढ़ने के बाद सेम वही आता है, इसका मतलब ये है स्पेशल नंबर। अभी तीसरा नंबर जो है 273 वो हम करके देखेंगे, ठीक है। 273 प्लस उल्टा करेंगे 372, ऐड करेंगे 3+2 इज 5, 7+7 इज 14, सो 4 1 कैरी फॉरवर्ड, 3+2 इज 5+1 इज 6, 45, नहीं ये स्पेशल नंबर नहीं है क्योंकि इसको उल्टा बनने के बाद वो वही नहीं आता है। सो फिर से हम इसको उल्टा करके ऐड करेंगे 5, 4, 6, ठीक है। सो 6+5 इज 11, सो 1 कैरी फॉरवर्ड 1, 4+4 इज 8+1 इज 9, 6+5 इज 11, सो 1191 नहीं आता है उल्टा पढ़ने के बाद, 1911 नहीं, ठीक है। फिर से इसको उल्टा करेंगे 1911, ठीक है। सो 1+2 इज 1+1 इज 2, 9+1 इज 10, सो 0 1 हो जाएगा कैरी फॉरवर्ड, 9+1 इज 10+1 इज 11, सो 1 1 हो जाएगा कैरी फॉरवर्ड, 3, 3102, ये फिर से स्पेशल नंबर हमें नहीं मिला। इसका मतलब ये जो सीरीज है 273, ये स्पेशल नंबर इसमें नहीं आ सकता है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हमें दिया है, नाउ लेट्स यूज वर्ड्स इन अ स्पेशल वे। अभी कुछ वर्ड्स ऐसे भी होते हैं जो कि बिल्कुल स्पेशल तरीके से बने हुए रहते हैं, जैसे कि हमें यहाँ पे दिया है NONO, LEMONS, NONO, MELON, ठीक है। मतलब हम अगर इसे सीधा पढ़ेंगे तो ये क्या होगा, NONO होगा और LEMONS मतलब लेमन्स, ठीक है। सो NONO और MELON मेलन, तो अगर हम इसको इस तरह से पढ़ेंगे तो NONO, LEMONS लेमन्स। अभी हम इसको उल्टा पढ़ के देखते हैं तो क्या होगा, ये हो जाएगा NONEN, ठीक है। लेकिन अगर हम इसको स्पेलिंग्स अगर हम इसके इधर उधर कर दें तो ये क्या हो जाएंगे, LEMON लेमन नो, ठीक है। तो अगर हम इसका स्पेलिंग इस तरह से उल्टा पढ़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा, लेमन नो, ठीक है। तो इस तरह से हमें हमने क्या किया, ये जो नो लेमन्स था उसको उल्टा किया तो वो क्या हो गया, लेमन नो, उल्टा भी वो वही दिखने लगा, ठीक है। उसके बाद स्टेप नॉट ऑन पेट्स, तो स्टेप इस तरह से हम पढ़ेंगे तो, और ये जो है STEP ये भी अगर हम उल्टा पढ़ेंगे तो स्टेप ही आता है, NOT नॉट, ON नो, NO नो, ऑन, ठीक है। तो ऑन और NO नो ये उल्टा नहीं होता है, लेकिन स्टेप और पेट्स ये जो है वो उल्टा करने के बाद एक ही वर्ड आता है, ठीक है। लेमन्स का भी अगर हम स्पेलिंग अगर इधर उधर दिया है, अगर उसको अच्छी तरीके से हम लिखेंगे तो वो लेमन हो जाएगा, नहीं तो वो नहीं होगा। अगला देखो हमें क्या दिया है, डिड यू नोटिस दैट इट रीड्स द सेम फ्रॉम बोथ साइड्स,
क्या आपने नोटिस किया कि अगर हम इसको बोथ साइड से अगर सेम रीड करें, राइट टू लेफ्ट एंड लेफ्ट टू राइट, तो क्या दिख रहा है हमें? तो हमें दिखा कि स्टेप और पैड्स जो हैं ये दोनों क्या हैं, लेफ्ट और राइट पढ़ने से सेम आ रहे हैं। नाउ ट्राई एंड यूज वर्ड इन स्पेशल वे। तो आपको भी ऐसा कोई तो भी एक वर्ड लेके उसको ऐसे उल्टा करके दिखाना है, ठीक है? सो कैलेंडर मैजिक, नेक्स्ट टॉपिक हमारा है कैलेंडर मैजिक। लुक एट द कैलेंडर बिलो, लेट अस मेक 3x3 बॉक्स। इसमें 9 डेट्स दिए हैं हमें, 3x3 का एक बॉक्स दिया है। 3x3 मतलब ऐसे 3 नंबर्स होते हैं, और रो में भी 3 नंबर्स है, कॉलम में भी 3 नंबर्स है, मतलब वो 3x3 का क्या है, बॉक्स है। कैलेंडर मैजिक में हमें देखना है कि ये जो 3x3 का जो बॉक्स हमें दिया है, इसमें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 डेट्स हमें दिए हैं। ऑन द कैलेंडर एंड सी सम मैजिक, अभी इसमें कैलेंडर में क्या मैजिक है वो हम देखने वाले हैं। सो ये लड़की यहाँ पे बोल रही है, आई कैन क्विकली फाइंड द टोटल ऑफ दिस नंबर्स इन द, क्या बोल रही है वो, कि इस बॉक्स में जितने भी नंबर्स है उसकी मैं क्विकली क्या करूँगी, आपको टोटल करके दिखाऊँगी। वॉन्ट दैट टेक्स सम टाइम, उसके लिए तो बहुत टाइम लगेगा, ये लड़की बोल रही है कि उसके लिए तो बहुत टाइम लगेगा। अभी अगर हम इन सारे नंबर्स के टोटल करके देखेंगे तो उसके लिए तो बहुत टाइम लगेगा। और वो फटाक से आंसर देती है, द टोटल इज 99। अरे इतने जल्दी इसने कैसे निकाल लिया? तो चलिए आइए हम भी निकाल के देखते हैं, हमें भी तो आना चाहिए, क्योंकि इतने सारे नंबर्स के अगर हम टोटल करते बैठेंगे तो हमें बहुत देर लगेगी। लेकिन इसने कुछ सेकंड्स में ही आंसर दे दिया कि आंसर क्या है, 99। तो चलिए हम करके देखते हैं। तो सबसे पहले उसने क्या बताया है, टेक द स्मॉलेस्ट नंबर 3। इस ये जो कैलेंडर है इसमें सबसे छोटा नंबर कौन सा है, 3 है, वो हमें क्या करना है, यहाँ पे ये जो 3 है ये लेना है। उसके बाद ऐड 8 टू इट, उसमें ऐड क्या करना है, 8 ऐड करना है, फिर इज इक्वल टू उसका इक्वल टोटल निकाल देना है, उसका टोटल आता है 11। सो 3+8 इज 11 मल्टीप्लाइड इट बाय 9, इसको 9 से मल्टीप्लाई करना है और टोटल आ गया 99। तो सारे जो भी बॉक्स हैं इसमें बनेंगे उसके, वो सारे बॉक्स को क्या करना है हमें, इसी वे से क्या करना है, फॉलो करना है, ठीक है? तो हे जस्ट टेक द मिडल नंबर एंड मल्टीप्लाई इट बाय 9, सी यू कैन गेट द आंसर इवन फास्टर। वो क्या बोल रहा है कि आपको क्या करना है, सिर्फ एक मिडल नंबर लेना है और उसको मल्टीप्लाई इट बाय 9 से मल्टीप्लाई करना है, तो आपको सी यू कैन गेट द आंसर इवन फास्टर, आपका भी सबसे फास्ट क्या आ जाएगा आंसर। अभी ये तो इससे भी फास्ट मेथड बता रहा है कि मिडल नंबर क्या है, 11 है, तो वो बोल रहा है कि इस 11 को क्या करो, 9 से मल्टीप्लाई कर दो, तो तुम्हारा आंसर क्या आ जाएगा, 99। तो चलिए हम भी क्या करते हैं, करके देखते हैं, हमें भी तो आना चाहिए। तो सबसे पहले हमें क्या बताया गया है, हमें बताया गया है कि ये जो 3 है, ये 3 क्या किया है, मतलब ये जो बॉक्स है इसमें सबसे स्मॉल नंबर क्या है, 3 है, तो हमने वो ले लिया, फिर उसमें +8 किया, तो +8 का आंसर आया 3+8 इज 11। उसके बाद उसको 9 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर क्या आया हमारा, 99। तो इस तरह से उसने क्या किया, सारे बॉक्स में जितने नंबर्स है उसके टोटल सिर्फ इन 2-3 स्टेप्स में ही कर लिए। तो लेकिन ये जो नीचे लड़का है वो बोल रहा है कि इससे भी इजी मैं आपको बता सकता हूँ कि इस बॉक्स का मिडल वाला जो नंबर है 11, वो अगर हम ले लेंगे और उसको मल्टीप्लाइड बाय 9 करेंगे तो भी हमारा आंसर क्या आता है, 99 आता है, ठीक है? अरे ये भी तो बहुत ज़्यादा इजी हो गया, ठीक है? तो चलिए हम भी और एक बॉक्स लेते हैं और करके देखते हैं कि ये सही बोल रहे हैं या नहीं, ठीक है? तो उसके लिए हमें एक बॉक्स लेना होगा। तो मैं जो है वो इसी कैलेंडर में से क्या करूँगी, ये नंबर्स का एक बॉक्स क्या करूँगी, ले लूँगी, और अब हम देखते हैं कि इनकी स्टेप्स सही हैं या नहीं। तो सबसे छोटा जो नंबर है वो हम ले लेंगे, तो इस बॉक्स में सबसे छोटा नंबर है 5,
ठीक है। तो 5 मैंने ले लिया, प्लस में करूँगी उसमें 8, हमेशा की तरह पहली स्टेप हमारी क्या है कि हम 8 उसमें क्या करेंगे, प्लस करेंगे। सो 8 प्लस 5 इज 8 प्लस 5 कितने होते हैं 13, ठीक है 13 होते हैं, उसमें मल्टीप्लाइड बाय करेंगे 9। सो 13 मल्टीप्लाइड बाय 9 कितने होते हैं 9 3 जार 27, 7 टू कैरी फॉरवर्ड, 9 1 जार 9 प्लस 2 इज 11, 107। और शॉर्टकट तरीके से अगर हम करके देखेंगे तो जो मिडल वाला नंबर है 13, उसको अगर हम ये दूसरी स्टेप से मल्टीप्लाइड बाय 9 करना है, मिडल वाला जो नंबर है 13 उसको अगर हम मल्टीप्लाइड बाय 9 करेंगे तो क्या आ जाएगा 9 3 जार 27, 2 7 नीचे लिखेंगे, 2 कैरी फॉरवर्ड, 9 1 जार 9 प्लस 2 इज 11, 107। ये ऐसे तो आंसर आ रहा है, लेकिन क्या हमें ये पता है कि ये जो 117 नंबर हैं ये सारे नंबर्स के टोटल हैं? नहीं पता है, तो इसलिए हम ये भी करके देखेंगे ताकि हमारा हमारा जो डाउट है वो क्लियर हो जाएगा कि क्या सच में इन सारे नंबर्स के टोटल हम क्या इन दो स्टेप्स में या फिर इस एक ही स्टेप में कर सकते हैं। चलिए आइए हम करके देखते हैं। हमारा नंबर है 5 प्लस 6 प्लस 7 प्लस 12 प्लस 13 प्लस 14 प्लस 19 प्लस 20 और प्लस 21। तो चलिए आइए हम टोटल करके देखते हैं। 1 प्लस 9 इज 10, 10 प्लस 4 इज 14, 14 प्लस 3 इज 17, 17 प्लस 2 इज 19, 19 का 9, 1 कैरी फॉरवर्ड, 19 प्लस 7 इज 19 प्लस 7 होता है 16, 16 प्लस 6 इज और 22, 22 प्लस 5 इज 27, 27 का 7 जो है वो हम यहाँ पे लिख लेंगे और 2 हो जाएगा कैरी फॉरवर्ड। सो 2 प्लस 1 इज 3 प्लस 1 इज 4, 5, 6, 7 इज 11। सो हमारा आंसर आया 117 जो कि इसके बराबर है। तो इसका मतलब है कि हम शॉर्टकट तरीके से प्लस 8 मल्टीप्लाइड बाय 9 करके एक छोटा नंबर लेके आंसर निकाल सकते हैं या फिर डायरेक्टली मिडल नंबर लेके उसको मल्टीप्लाइड बाय 9 करके भी हम आंसर निकाल सकते हैं। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सम मोर नंबर पैटर्न्स। हमें यहाँ पे कुछ नंबर पैटर्न्स दिए हैं वो हम अभी देखने वाले हैं। टेक एनी नंबर, कोई भी हमें एक नंबर लेना है। नाउ मल्टीप्लाइड बाय 2, 3, 4 और डैश, मतलब 2, 3, 4 के आगे हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करते जाना है एट एवरी स्टेप, हर एक स्टेप में। ऑल्सो ऐड 3 और उसमें ऐड 3 भी करते जाना है टू इट एट ईच स्टेप। लुक एट द डिफरेंस इन द आंसर, और हमें आंसर में डिफरेंस दिखना है। इज इट द सेम एट एवरी स्टेप, और क्या ये हर एक स्टेप में सेम है वो हमें देखना है, ठीक है। सो 12 मल्टीप्लाइड बाय 2 हमें सबसे पहले दिया है और ऐड 3 किया है तो उसका आंसर आया है 27। 12 का टेबल हमें पता है, 12 2 जा होता है 24, 24 प्लस 3 इज 27, ठीक है। उसके बाद 12 मल्टीप्लाइड बाय 3 करेंगे और ऐड 3 करेंगे तो इसका आंसर आएगा 39, 12 मल्टीप्लाइड बाय 4 प्लस 3 आएगा 51, 12 मल्टीप्लाइड बाय 5 प्लस 3 आएगा 63। उसी तरह से 12 मल्टीप्लाइड बाय 5 के बाद 6 करेंगे और ऐड 3 करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, 12 मल्टीप्लाइड बाय, जिनको 12 का टेबल नहीं आता है वो इस तरह से करके देख सकते हो, 12 मल्टीप्लाइड बाय 6 क्या आता है, 6 2 जार 12, 2 1 कैरी फॉरवर्ड, 6 1 जार 6 प्लस 1 इज 7, 72 प्लस हमें करना है 3, सो 3 प्लस 2 इज 5 और 7 एज इट इज़, सो 75 इसका आंसर यहाँ पे हमें
लिखना है, ठीक है। उसके बाद है 12 मल्टीप्लाइड बाय 7, 7 टू जा 14 का 4, 1 कैरी फॉरवर्ड, 7 1 जा 7 प्लस 1 इज 84, ऐड करना है 3, 4 प्लस 3 इज 7 और 8 एज इट इज, यहाँ पे आंसर आएगा 87। उसके बाद यहाँ पे हमें लिखना है 8, 12 मल्टीप्लाइड बाय 8, उसका आंसर आएगा 8 टू जा 16 का 6, 1 कैरी फॉरवर्ड, 8 1 जा 8 प्लस 1 इज 9, 96, फिर से 3 को ऐड करना है, 6 प्लस 3 इज 9 और 9 का 9 यहाँ पे नीचे आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आंसर आएगा 99। उसके बाद फिर से हमें यहाँ पे लेना है 9 और यहाँ पे फिर से लेना है 3, सो 12 मल्टीप्लाइड बाय 9, 9 टू जा 18, 8 वन कैरी, 9 वन जा 9 प्लस 1 इज 10, आंसर आया 108, उसमें फिर से प्लस 3 कर देंगे तो हो जाएगा 8 प्लस 3 इज 11, 1 कैरी फॉरवर्ड, सो 1 एंड 1 आंसर आया 111, ठीक है। कभी यहाँ पे क्या बोला है हमें, यहाँ पे बोला है नाउ ट्राई डूइंग इट विथ सम अदर नंबर एंड ऑल्सो टेक अ डिफरेंट नंबर टू ऐड एट ईच स्टेप, आपको और एक नंबर लेना है, कोई भी नंबर हो वो लेना है और क्या करना है उसको मल्टीप्लाइड बाय 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 से मल्टीप्लाई करना है और 3 क्या कर देना है ऐड कर देना है और देखना है कि आपका आंसर क्या आता है, ठीक है। तो अगला टॉपिक की ओर हम देखेंगे, तो वहाँ पे दिया है नाउ ट्राई डूइंग इट विथ सम अदर, लुक एट द नंबर्स बिलो, हमें कुछ ऐसे नंबर्स यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, लुक फॉर द पैटर्न, कैन यू टेक इट फॉरवर्ड, तो हमें ऐसे यहाँ पे एक पैटर्न दिया है, एक नंबर दिया है जैसे कि 9 दिया है, तो 9 माइनस 1 अगर हम करेंगे तो 9 माइनस 1 को जो भी आंसर आएगा उसको डिवाइड बाय 8 हमें करना है, 9 माइनस 1 आता है 8 और डिवाइड बाय अगर हम 8 करेंगे, 9 माइनस 1 डिवाइड बाय 8 करना है, ठीक है। 9 माइनस 1 हमें पता है क्या आता है आंसर हमारा, 9 माइनस 1 इज 8 और 8 डिवाइड बाय 8 कितना आता है, 1 आता है क्योंकि 8 वन जा 8 होता है, ठीक है। अगला जो है 9 से पहले का नंबर है 8, तो वो हमें ले लेना है, तो ये हो जाएगा 98। देखो हम क्या कर रहे हैं, उल्टे सीरीज में यहाँ से जा रहे हैं, जैसे कि 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, तो उल्टे सीरीज में हमें क्या करने हैं नंबर लेने हैं, तो 9 के पहले क्या आता है 8 आता है, तो यहाँ पे हम 8 ले लेंगे, माइनस कर देंगे 2, यहाँ पे 1 लिया था यहाँ पे 2 कर देंगे, फिर से हम इसको डिवाइड बाय अगर 8 करेंगे तो हमारा आंसर क्या आ रहा है, हमारा आंसर चलिए 98 माइनस 2 करके देखते हैं, 98 माइनस 2 क्या आता है, 98 माइनस 2 आता है 98 माइनस 2 आता है, 8 माइनस 2 इज 6 और 9 एज इट इज 96 आता है, तो 96 को हम डिवाइड बाय 8 अगर करके देखेंगे तो 8 के टेबल में 8 वन जा होता है 8, 9 में से 8 गया 1, 6 आ जाएगा नीचे, 8 टू जा 16, ठीक है। सो आंसर क्या आया हमारा 1, 2, 12, ठीक है। उसके बाद 8 के पहले कौन सा नंबर आता है 7, सो हम ले लेंगे 9, 8, 7 माइनस 3, ठीक है, डिवाइड बाय 8 फिर से करेंगे, अभी देखते हैं आंसर क्या आता है। सो 987 माइनस अगर हम 3 करेंगे, सो 7 माइनस 3 इज क्या होता है 4 और 98 एज इट इज़ यहाँ पे है, डिवाइड बाय फिर से हमें 8 करना है, सो 8 वन जा 8 हम लेंगे, 9 माइनस 8 इज 1, 8 नीचे लाएंगे, 8 टू जा 16, 18 में से 16 गया 2 रह जाते हैं, फिर लेंगे हम ये 4 नीचे, सो 8 थ्री जा होता है 24, ठीक है, तो 24 माइनस 24 इज 0, ठीक है। सो हमारा आंसर आया 123, 123। उसके बाद 7 के पहले हमारा कौन सा नंबर आता है 6 आता है, तो फिर से हम ले लेंगे उसको 9, 8, 7, 6 उल्टे सीक्वेंस से, मतलब ये हो जाएगा 9876
माइनस इस बार 4 लेंगे, डिवाइड बाय फिर से 8 करेंगे तो हमारा आंसर क्या आता है वो देखेंगे हम। नाइन एट सेवन सिक्स माइनस 4, ठीक है, अगर हम करेंगे तो 6 में से 4 नहीं जाएगा, इसलिए हम साइड वाले से कैरी 1 करेंगे, 1 कैरी कर लिया तो 6 का हो जाएगा 16, यहाँ पे 7 की जगह पे एक माइनस हो जाएगा तो यहाँ पे आ जाएंगे 6, 16 में से 4 गए, यहाँ पे आएंगे 9876 में से, मतलब 9876 में से माइनस 4 करेंगे तो कितना आएगा, लास्ट के 76 में से 4 माइनस करते हैं सबसे पहले तो हो जाएगा 72, ठीक है, तो आंसर कितना आएगा 9872। आंसर आया, जिसको हम डिवाइड बाय 8 करेंगे तो आंसर आएगा 8 1 8, 9 - 8 इज़ 1, 8 नीचे आ जाएगा, 9 2 16 करेंगे वो जो 18 से छोटा है, सो यहाँ पे आ जाएगा 2, फिर से 7 नीचे आ जाएगा, 8 3 24, 3 बच जाएगा, 2 नीचे आ जाएगा 32, 8 4 32 हो जाएगा, 32 - 32 इज़ 0, ठीक है, हमने ये डिवाइड कर लिया, आंसर आया 1 2 3 4, 1234। वेट, अभी यहाँ पे एक बात तो हमें क्लियर हो रही है कि जैसे जैसे एक एक नंबर हम 9 का पहले वाला लेते जा रहे हैं, जैसे कि यहाँ पे 9 लिया था तो यहाँ पे 9 और 8 लिया, फिर 987 लिया, फिर 9876 लिया, मतलब जैसे जैसे हम 9 की सीरीज में नीचे चलने जा रहे हैं और उनको डिवाइड बाय 8 कर रहे हैं तो हमारा जो आंसर है वो यहाँ पे 1 आया था, फिर यहाँ पे 1 और 2 आया, फिर यहाँ पे 1 2 और 3 आया और फिर यहाँ पे 1 2 3 4 आया, तो इसका मतलब ये है कि अगर हम अगला नंबर लेंगे 9876 के पहले आता है 5 और -4 के बाद 5 करेंगे और डिवाइड बाय 8 करेंगे तो हमारा आंसर आएगा ऑब्वियसली 1 2 3 4 एंड 5, यस, तो ऐसे ही हमारी सीरीज चलती रहेगी, ठीक है, उसके बाद अगर हम लेते हैं 9876 5 के पहले 4 और माइनस अगर 4 करेंगे डिवाइड बाय 8 करेंगे तो ऑब्वियस है हमारा आंसर आएगा 1 2 3 4 5 के बाद 6, यस आई गॉट इट, क्या आपको भी समझ में आ गया, तो इसका मतलब ये है कि जैसे जैसे हम पहला जो नंबर है नीचे नीचे जाते जाएंगे वैसे वैसे अगला नंबर यहाँ पे आंसर में आते जाएगा, तो इसका मतलब यह है कि हमें अगला जो आंसर है वो इतना बड़ा कैलकुलेशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये ऑटोमेटिकली क्या आ रहा है, इसमें आंसर आ रहा है, तो इस तरह से हमने बहुत ही समझ के अच्छे तरीके से इसको सॉल्व कर लिया। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर, स्मार्ट एडिंग। अभी इतने सारे स्मार्ट क्वेश्चन हमने सॉल्व करके हम और भी स्मार्ट हो गए हैं, लेकिन और एक स्मार्ट एडिंग हमें अभी सीखनी बाकी है कि ये कैसे करते हैं। अभी देखो लड़के बोल रहे हैं, व्हाट इफ़ समवन गिव्स यू टू ऐड 10 नंबर्स टुगेदर, अगर तुम्हें 1 से लेकर 10 तक अगर कोई नंबर्स दे दे और उनको ऐड करने के लिए बोला गया तो तुम क्या करोगे, तो वो लड़का बोल रहा है ओह आई कैन फाइंड इट क्विकली, मैं उसको फटाक से क्या करूँगा, सॉल्व कर दूँगा, जल्दी से सॉल्व कर दूँगा। स्मार्ट, हाउ कैन यू डू दैट, तो वो बोल रही है कि तुम ये कैसे करोगे, फिर वो बोल रहा है, लड़का बोल रहा है आई कैन गेट द सम विदाउट एडिंग, मैं इसको विदाउट ऐड किए हुए इसका आंसर निकाल सकता हूँ, तो चलिए देखते हैं कि विदाउट एडिंग उन्होंने आंसर कैसे निकाला। सो सबसे पहले उन्होंने 1 से 10 तक सारे नंबर्स लिख लिए, 1 2 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10 लिख लिए,
तो इन सब का अगर आप एडिंग करोगे तो उसका आंसर आता है 55। तो अगला उन्होंने वैसे ही लिखा 11 + 12 + 13 + 14, ऐसे 20 तक एडिंग की तो उसका आंसर आया 155। अगला जब नंबर उन्होंने लिखा 21 + 22 + 23 + 24 तक तब उसका आंसर आया 255। तब जाके उन्हें पता चला कि हम जैसे जैसे नंबर आगे लिखते जाएंगे 31 + 32 + 33 + 34 = 40 तक, तो इसके आगे यहाँ पे 1 लगा था, यहाँ पे 0 था, यहाँ पे 1 लगा 55 के पहले, यहाँ पे 55 के पहले 0 था, 55 के पहले 1 आया, यहाँ पे 55 के पहले 2 आया, तो ऑब्वियस की बात है कि यहाँ पे 55 के पहले 3 आएगा, ठीक है। और नेक्स्ट जब हम 41, 42 की सीरीज करेंगे 50 तक, तो यहाँ पे आएगा 4, ठीक है, तो 455 आएगा। 51 के सीरीज में आएगा 555 और 61 के सीरीज में आएगा 655, ठीक है। तो इस तरह से हम कोई भी एडिंग हो हम स्मार्टली ऐड कर सकते हैं। तो इससे तो हमारा ब्रेन पूरी तरीके से क्या हो जाएगा, एडिंग से स्मार्ट एडिशन से भर जाएगा और हमें किसी भी प्रॉब्लम में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। अभी तक हमने जितने भी प्रॉब्लम्स किए उसमें सारे इसमें स्मार्ट तरीके दिए हुए थे जो कि हमने किए हैं। तो डिड यू नोटिस सम पैटर्न इन द आंसर, यस, हमने ये जो पैटर्न है वो नोटिस किया है कि 1 से लेकर 10 तक जो आंसर आता है 55, वही 11 से 20 में 11 की सीरीज है तो 1 लिखेंगे, 21 की है तो तरीके से हम क्या करेंगे, आंसर निकालेंगे। अगले टॉपिक में हमें बताया गया है कि फन विद ऑड नंबर्स। अभी ऑड नंबर्स क्या होते हैं, ऑड नंबर्स और इवन नंबर्स हम पहले भी सीख चुके हैं। ऑड नंबर्स होते हैं जो टेबल में नहीं आते हैं उनको बोलते हैं ऑड नंबर्स, और इवन नंबर्स बोलते हैं जो हर एक टेबल में आते हैं उनको बोलते हैं इवन नंबर्स। जो कि डिवाइड होते हैं वो होते हैं इवन नंबर्स, लेकिन कुछ ऑड नंबर्स ऐसे होते हैं जो कि डिवाइड होते हैं। टेक द फर्स्ट टू ऑड नंबर्स, हमें सबसे पहले क्या करना है, दो ऑड नंबर्स लेने हैं, जैसे कि इन्होंने लिया है 1 और 3, ठीक है, उनको क्या करना है, हमें ऐड करना है। तो 1 + 3 क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। सी व्हाट यू गेट, तो आपको क्या मिला, 1 + 3 = 4 मिला, और 4 क्या है, इवन नंबर मिला। तो इसका मतलब ये है कि अगर हम दो ऑड नंबर्स की एडिंग करें तो हमें आंसर इवन नंबर मिलता है। इवन नंबर कैसे, क्योंकि ये 2 × 2 = 4 होता है, इसलिए क्या है, इवन नंबर है। तो ये भी हमें समझ में आता है कि दो सेम नंबर का मल्टीप्लिकेशन ये ऑड नंबर का एडिंग का आंसर होता है, मतलब ये दो क्या है, सेम नंबर से, और इसका आंसर 4 है। जैसे कि दो ऐड ऑड नंबर्स का जो एडिशन है वो भी सेम ही है। चलिए नेक्स्ट और देखते हैं, और एक ऐड ऑड नंबर जो है वो इसमें हम ऐड करते हैं, जैसे कि 1 + 3 + 5 कितना आता है आंसर, तो इन तीनों का आंसर आता है 9, और 9 तो 3 × 3 का भी आंसर आता है। इसका मतलब ये है कि इन दोनों नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन, सेम नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन भी 9 ही आया, जैसे कि इन तीन ऑड नंबर के एडिशन का आया है। और एक ऑड नंबर हम इसमें ऐड करेंगे, 1 + 3 + 5 + 7, ठीक है, तो 1 + 3 + 5 + 7 कितना आता है, 16 आता है। और हम ऐसे देखा जाए तो दो फोर नंबर्स, मतलब दो सेम नंबर्स 4 × 4 का आंसर भी 16 ही आता है, ठीक है। उसके बाद अगला दिया है 1 + 3 + 5 + 7 + 9 कितना आता है, तो इन तीनों का एडिशन हमें करना है। 1 + 3 होता है 4, 4 + 5 होता है 9, 9 + 7 होता है 16, और 16 + 9 होता है 25, क्या होता है 25। और अगर हम देखें तो दो सेम नंबर्स, मतलब 5 × 5 का आंसर भी 25 ही आता है, ठीक है। इसके बाद क्या आएगा, इसके बाद आप देखोगे 2, 3, 4, 5 सिक्वेंस से चल रहे हैं, तो 2, 3, 4, 5 के बाद क्या आएगा, 6 आएगा, तो 6 × 6 का आंसर आता है
36, इसका मतलब ये है कि 1, 3, 5, 7, 9 और 11 इन सब ऑड नंबर्स का एडिंग भी 36 ही आएगा, आप करके देख सकते हो। इसके बाद 6 के बाद क्या आता है, 7, तो 7 × 7 = 49। इसका मतलब ये है कि 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 + 13 इन सारे ऑड नंबर्स की एडिशन भी क्या आती है, एज इट इज 49 ही आती है। तो इसके आगे का भी आपको करके देखना है, तो आप कितने आगे जा सकते हैं वो आपको दिखाना है। तो बहुत ही स्मार्टली ये ऑड नंबर्स की एडिशन यहाँ पे की है, और एडिशन करने की ज़रूरत ही नहीं है जब हमें ये सीक्वेंस पता चल रहा है कि दो सेम नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन ऑड नंबर्स का एडिशन आ रहा है, तो हम बहुत ही आसानी तरीके से, इजी वे से, शॉर्टली इसका आंसर हम निकाल सकते हैं। तो कितना मज़ा हमें इस करके स्मार्टली ये जो प्रॉब्लम से ये सॉल्व करके आ रहा है ये हम बता भी नहीं सकते हैं, क्योंकि हम इस लेसन में बहुत कुछ सीख चुके हैं और भी हमें सीखना बाकी है। तो चलिए देखते हैं इंटरेस्टिंग टॉपिक हमारा नेक्स्ट वाला। नेक्स्ट टॉपिक हमें दिया है सीक्रेट नंबर्स। अभी हमें क्या करना है, जल्दी से पेपर और पेन निकाल के सीक्रेट नंबर्स ढूंढने के लिए जाना है। तो बन्नो एंड विनोद वेयर प्लेइंग अ गेसिंग गेम बाय राइटिंग क्लूज अबाउट अ सीक्रेट नंबर। बन्नो और विनोद क्या कर रहे हैं, एक गेम खेल रहे हैं, गेसिंग गेम, जो कि माइंड में खेले जाते हैं। तो चलिए देखते हैं आपके माइंड पावर कितनी है। बाय राइटिंग क्लूज अबाउट अ सीक्रेट नंबर इच ट्राइड टू गेस द अदर सीक्रेट नंबर फ्रॉम द क्लू। वो हमें कुछ क्लू दिए हुएंगे, हमें कुछ क्लू दिए हुए हैं, उसमें से हमें क्या करना है, सीक्रेट नंबर्स कौन सा निकलता है वो हमें ढूंढना है। कैन यू गेस देयर सीक्रेट नंबर्स, तो क्या आप गेस कर सकते हैं, तो चलिए हम कर सकते हैं, हम उन्हें दिखा देंगे कि हम कर सकते हैं। पहला क्लू हमें दिया है, इट इज़ लार्जर दैन हाफ ऑफ 100। पहला क्लू क्या दिया है हमें कि वो क्या है, सबसे पहले तो वो है हाफ ऑफ 100। तो हाफ ऑफ 100 क्या होता है, 50 होता है, हाफ ऑफ 100 होता है 50, ठीक है, 100 का हाफ होता है 50। और क्या बोला है, इट इज़ लार्जर दैन, क्या बोला है हमें कि वो क्या है, 50 से क्या है, बड़ा है, 50 से क्या है। सीक्रेट नंबर को हम देंगे क्वेश्चन मार्क, ये जो हमारा सीक्रेट नंबर है वो क्या है, 50 से बड़ा है, इट इज़ लार्जर दैन हाफ ऑफ 100। ये हो गया हमारा फर्स्ट वाला क्ल्यू, सीक्रेट नंबर पहचानने का फर्स्ट वाला क्ल्यू हमने पहचान लिया कि वो क्या है, हाफ ऑफ 100 है और ग्रेटर दैन है, 50 से बड़ा है। सेकेंड क्लू हम देखेंगे, इट इज़ मोर दैन 6 tens एंड लेस दैन 7 tens। वो क्या है, इट इज़ मोर देन 6 tens। अभी वंस और टेंस आपको पता है क्या, ये है वंस और ये है टेंस, तो हमें क्या बोला है, इट इज़ मोर देन 6 tens। 6 क्या है, टेंस में है, और वंस में, तो वंस में कुछ नहीं है, मतलब वंस में ज़ीरो ही आएगा, ठीक है। एंड लेस देन 7 tens, वो क्या है, मोर देन, मतलब वो जो सीक्रेट नंबर है वो 60 से क्या है, बड़ा है, 60 से बड़ा है। एंड लेस देन 7 tens, और टेंस में जो 7 है मतलब 70 है, वंस में कुछ नहीं है मतलब ज़ीरो लिख देंगे, तो टेंस में जो 7 है वो उससे क्या है, छोटा है, वो जो सीक्रेट नंबर है वो 60 से बड़ा है और 70 से छोटा है। इसका मतलब क्या होता है, अभी अगर आप 60 से बड़ा नंबर देखोगे तो कौन कौन से आते हैं, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69 और 70। 60 से बड़ा और 70 से छोटे नंबर्स 70, 69, 68, 67 से लेकर 61 तक क्या है, 70 से छोटे नंबर हैं और 60 से बड़े नंबर ये हैं। तो इन नंबर में से कोई एक नंबर ऐसा है जो हमारा सीक्रेट नंबर है। अभी नेक्स्ट क्लू हमें क्या दिया है, नेक्स्ट क्लू हमें दिया है, द टेंस डिजिट इज़ 1 more than 1's digit। उन्होंने बोला है अगले क्लू में, हमें बोला है थर्ड वाले क्लू में, कि जो टेंस और
वंस होता है, उसमें से टेंस वाला जो नंबर है वो क्या है, वो वन वाले नंबर से क्या है, बड़ा है। ठीक है, जो ग्रेटर दैन है, ठीक है, जो भी टेंस में जो भी नंबर आएगा वो वंस वाले नंबर से क्या है, ग्रेटर है। ठीक है, तो टेंस का तो हमें पता चल गया कि टेंस में नंबर क्या है, सिक्स है, 60 के बड़े हैं, मतलब 70 के छोटे आते हैं। तो हमारा जो टेंस का नंबर है वो है सिक्स, तो सिक्स क्या है, वन से ग्रेटर दैन होगा। इसका मतलब ये है कि सिक्स के नंबर के सारे वंस वाले, मतलब इसमें सिक्स, ये जो सिक्स है, सेवन है, एट और नाइन, ये नहीं आएंगे, क्योंकि ये सिक्स से क्या है, बड़े हैं। हमें चाहिए सिक्स से छोटे वाले नंबर, तो जो कि वंस प्लेस में है। तो सिक्स से छोटे वाले नंबर हैं फाइव, फोर, थ्री, टू एंड वन। तो इन नंबर्स, तो ये तो हमारे जो है वो निकल गए, गेम के बाहर निकल गए, बच गए इतने नंबर्स। तो इन नंबर्स में से कोई तो भी हमारा सीक्रेट नंबर है जो इस वंस प्लेस पे आएगा। तो देखते हैं कि हमारा अगला क्लू क्या है। अगला क्लू हमें दिया है, टुगेदर द डिजिट्स हैव अ सम ऑफ 11। और वो बोल रहे हैं कि दोनों डिजिट्स मिला के, मतलब टेंस और वंस मिला के, उनकी एडिशन कितनी आनी चाहिए, उनकी एडिशन आनी चाहिए 11। सो जल्दी से बताइए, सिक्स में कितना नंबर ऐड किया तो 11 आता है। यस, सिक्स प्लस फाइव करेंगे तो उसका आंसर आएगा 11। यही तो हमारा सीक्रेट नंबर है, 65 है हमारा सीक्रेट नंबर। क्योंकि ये सारे क्ल्यूज़ को क्या होता है, लागू होता है। अगर आपको ये प्रॉब्लम नहीं समझ में आया है तो वीडियो को आप फिर से एक बार रिपीट करके देख सकते हो। 6 + 5 कितना होता है, 11। तो इस क्लू के साथ तो हम जुड़ गए, उसके साथ साथ हमें जो तीसरा क्लू दिया था कि 6 क्या है, मतलब टेंस क्या है, 1 से बड़ा है, तो वही तो आया है, 6 हमारा क्या है, 5 से बड़ा है। दूसरे क्लू में हमें दिया था कि वो 60 और 70 के बीच में आएगा, ठीक है, मतलब 60 से बड़ा, 70 से छोटा। तो हमारा 65 भी 60 से बड़ा है और 70 से छोटा है। उसके बाद अगले क्लू में दिया था कि वो 50 का ग्रेटर दैन होगा, तो हमारा 65 नंबर भी क्या है, 50 से ग्रेटर दैन है, मतलब बड़ा है। तो इसका मतलब ये है कि हमारा सीक्रेट नंबर है 65। ओके, हमें, मुझे पता है कि आपको भी क्या कर रहे हैं, आप भी बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे हैं। चलिए, और एक क्लू हमें दिया है, हमें ये सीक्रेट नंबर पहचानना है। तो हमें अगला जो दिया है सीक्रेट नंबर, उसके क्लूज दिए हैं। फर्स्ट क्लू है, इट इज़ स्मॉलर दैन हाफ ऑफ 100। हमें क्या बोला है, हाफ ऑफ 100। हाफ ऑफ 100 क्या होता है, फर्स्ट क्लू में बताया है हाफ ऑफ 100 होता है 50, और उस 50 का क्या है, वो छोटा है, स्मॉलर दैन है, मतलब ये जो सीक्रेट नंबर है ये स्मॉलर दैन है 50 के, मतलब 50 से वो छोटा है। अगले क्लू में हमें दिया है, इट इज़ मोर दैन 4 tens एंड लेस दैन 5 tens, मतलब 4 tens, मतलब 4 tens में आएगा, और 40, 4 tens मतलब 40, जैसे कि हमने ऊपर देखा किस तरह से आता है, वैसे इसे 40 से बड़ा और 50 से छोटा, ग्रेटर दैन 50 और लेस दैन, ग्रेटर दैन 40 और लेस दैन 50। इसका मतलब ग्रेटर दैन 40 मतलब 40 से ऊपर के नंबर्स कौन कौन से होते हैं, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49 और लेस दैन 50, मतलब 50 नहीं आएगा, ठीक है, और 40 भी नहीं आएगा, ठीक है। तो इन नंबर्स में अभी अगला क्लू देखेंगे। थर्ड वाला क्लू दिया है, द टेंस डिजिट इज़ 2 more than 1's digit, कि आपका टेंस डिजिट में जो भी नंबर है वो 1's digit से क्या है, बड़ा है, ठीक है।
तो टेंस डिजिट में तो हमें पता चल गया कि 40 से बड़ा मतलब 4 क्या है, हमारा टेंस है। तो ये 4 जो है ये वंस प्लेस से क्या होना चाहिए, वंस प्लेस क्या होना चाहिए, 4 से छोटा होना चाहिए। तो यहाँ पे जो हमारा सीक्रेट नंबर है, यहाँ पे जो हमारा सीक्रेट नंबर है ये 4 से छोटा होना चाहिए, ठीक है। तो 4 से छोटे वाले नंबर्स कौन कौन से हैं, 4 से छोटे वाले जो कि वंस प्लेस में 4 से छोटे वाले नंबर्स हैं 43, 42 एंड 41, ठीक है। सो इतने सारे नंबर्स क्या हो गए, आउट हो गए, क्योंकि हमें 4 से क्या चाहिए, फोर से हमें वंस में छोटा नंबर चाहिए। तो अभी हम अगले क्लू की तरफ देखते हैं। अगले क्लू में हमें दिया है टुगेदर द डिजिट्स हैव अ सम ऑफ 6। हमें वंस प्लेस में ऐसा डिजिट चाहिए कि इन दो नंबर्स का एडिशन क्या हो सके, 6 आ सके, ठीक है। तो इन दोनों नंबर्स का एडिशन क्या आएगा, 6 आएगा। तो जल्दी से बताइए 4 में कौन सा नंबर ऐड किया, तो आंसर 6 आता है। यस, 4 + 2 = 6। इसका मतलब ये है कि हमारा सीक्रेट नंबर है 42। यस, हमने निकाल लिया, हमारा सीक्रेट नंबर क्या आएगा, 42। यहाँ पे हमारा सीक्रेट नंबर क्या आया था, 65 आया था, और यहाँ पे आया 42, ठीक है। इस तरह से हमने क्या किया, ये वाला प्रॉब्लम भी सॉल्व कर लिया। बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम था, ठीक है। चलिए आइए नेक्स्ट टॉपिक की ओर, नंबर सरप्राइज। अभी नंबर सरप्राइज क्या होता है वो हम देखेंगे। आस्क यूर फ्रेंड राइट डाउन यूर एज। आपके फ्रेंड्स को आपको क्या करना है, एज पूछना है, और आपको यहाँ पे क्या करना है, आपका एज लिख लेना है। तो आपका एज क्या है, आपका तो एज मानेंगे हम 9, एंड उसमें हमें करना है ऐड 5 टू इट। सो 9 + 5 = 14। ओके, देन मल्टीप्लाई द सम बाय 2। तो जो सम हमारा आया है 9 + 5 का वो है 14। सो 2 उससे मल्टीप्लाई करने हैं। सो 2 × 14 = 28। उसके बाद सब्सट्रैक्ट 10 फ्रॉम इट। उसके बाद 28 को बोला है 10 से सब्सट्रैक्ट करने को। सो 28 - 10 = 18। डिवाइड इट बाय 2। 18 को अभी हमें किससे डिवाइड करना है, 18 को करना है 2 से डिवाइड। सो 18 / 2 = 9। तो द आंसर इज सेम एज माई फ्रेंड्स एज, सो ही मस्ट बी सरप्राइज। तो आपको भी जोर का झटका लगेगा जब आपका आपने एज लिया है 9 और सब ऐड 5 करने के बाद, उस आंसर में ऐड 5 करने के बाद 2 से मल्टीप्लाई करना है, और उसके बाद हमें डिवाइड बाय 10 करना है, और फिर से डिवाइड बाय 2 करना है। अभी नेक्स्ट हमें क्या करना है, नेक्स्ट हमें करना है टेक अ नंबर, कोई भी एक नंबर ले लेना है। जैसे कि हमने यहाँ पे लिया 10 नंबर, ठीक है, डबल इट, इसको 10 × 2 करना है, तो आंसर क्या आएगा, 20 आएगा। अभी इसको जो आंसर आया है उसको मल्टीप्लाइड बाय 5 करना है। सो मल्टीप्लाइड बाय 5 क्या होगा, 20 × 5 = 100। 100 आएगा, डिवाइड योर आंसर बाय 10। अभी इस 100 से हमें क्या करना है, डिवाइड बाय 10 करना है, तो आंसर क्या आएगा, 10। अरे देखिए, आपने नंबर लिया था 10, तो आंसर भी हमारा 10 ही आया। वाओ, ये तो बहुत ही अच्छा प्रॉब्लम है, और बहुत ही सरप्राइज भी, हमने इसे आंसर निकालने के बाद बहुत ही सरप्राइज हो गया। उसके बाद अगला नंबर लेना है, हम लेंगे 11, ठीक है। सो डबल इट, 11 × 2 = 22, ठीक है। सो अगेन डबल इट, तो 22 का डबल होगा 44, ठीक है। ऐड द नंबर यू टूक फर्स्ट टू द आंसर। अभी हमें क्या करना है, वो नंबर ऐड करना है जो हमें फर्स्ट में आंसर आया था। सो फोर्टी फोर हमारा आंसर यहाँ पे लिखना है, और हमारा
हमने जो नंबर लिया था उसमें क्या करना है, उसको ऐड करना है। तो 44 प्लस 11 क्या आएगा, 55। उसके बाद नाउ अगेन डबल इट, फिर से 55 को हमें क्या करना है, डबल कर देना है। तो क्या आएगा, 55 मल्टीप्लाइड बाय 2 क्या आएगा, 110। सो 110 डिवाइड बाय 10 आता है 11। यस, हमने तो 11 ही लिया था और हमारा आंसर भी आया 11। ठीक है, उसके बाद अगला हम देखेंगे, लुक एट दिस पैटर्न ऑफ नंबर्स एंड टेक इट फॉरवर्ड। हमें ये पैटर्न देखना है और आगे जाना है। वन क्या है, वन मतलब वन मल्टीप्लाइड बाय वन, वन टू वन मतलब इलेवन मल्टीप्लाइड बाय इलेवन, एक और वन हमने इसमें ऐड कर दिया तो क्या आया, वन टू वन। अगर हम 111 करें, मतलब तीन बार वन का मल्टीप्लाइड करें, तो हमें ये आंसर मिलेगा 1 2 3, और उल्टा जाएगा फिर से 1 2, ये 1 2 3 यहाँ से और ये 1 2 यहाँ से। अगर हम चार बार वन लें, 1 2 3 4 मल्टीप्लाइड बाय 1 2 3 4, तो यहाँ में आंसर क्या आएगा, 1 2 3 4, 1 2 3। ठीक है, तो मतलब जैसे जैसे हम यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन के लिए एक और वन बढ़ाते जाएंगे, वैसे वैसे हमें यहाँ पे क्या मिलते जाएगा, 1 2 3 4 5 होते जाएगा, और ये 1 2 3 के आगे 4 उल्टा सीधे 1 2 3 4, और उल्टा 1 2 3 4 यहाँ पे आगे बढ़ते जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से हमने क्या किए, ये सारे नंबर्स के प्रॉब्लम सॉल्व किए। आई होप कि आपको मेरा वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा, और अगर आपको मेरे साथ पढ़ाई करके अच्छा लगा है और जो भी हम मेहनत कर रहे हैं वो अगर वो आपको अच्छी लग रही है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और चलते हैं नेक्स्ट लेसन में पढ़ाई करने के लिए। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, बाय बाय।